आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। किसान हत्याकांड का कैमूर पुलिस ने किया खुलासा, दो गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त खंती बरामद, चार आरोपी फरार। कैमूर पुलिस ने किसान हत्याकांड का मंगलवार को खुलासा किया। जानकारी देते हुए बताया कि टुन्नू बिंद का अपने पड़ोसी से जमीन विवाद चल रहा था। छठ के दिन टुन्नू अपने खेत पर पानी पटाने गया था, उसी समय गाँव के ही 6 लोगों ने पकड़कर धारदार खंती से उसकी हत्या कर शव अरहर के खेत में फेंक दिया। देर रात तक टुन्नू घर नहीं आया तो घर वाले परेशान हो गए। सुबह टुन्नू का शव खेत में बरामद हुआ। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 6 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 लोग फरार है। आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि उसने अपने ही दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की थी। हत्या की वजह जमीनी विवाद बताई जा रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। खंती से क्या हुआ मामला? मामला वो 2 साल से हमको धमका रहा था कि तेरे परिवार को पूरा मार देंगे, और उस दिन छठ के दिन वो पी करके दारू आया और गाली देने लगा। बहन मतारी बेटी बोलता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, बलात्कार करेंगे। हम सोचे कि चलो भागो घर है, तो भागे। जब तब वो हत्थाबाई कर लिया, जब हत्थाबाई हुआ तो छठ पर घाट से खबर जनता दिया कि हत्थाबाई हो गया। तो दौड़ते दौड़ते घर का लोग आया, धा करके हम लोग उसको मुआ दी। कई लोग थे इसमें मारने में? 4 लोग। कौन पहले से कोई दुश्मनी था तुम लोग का? नहीं, पहले से कोई दुश्मन नहीं था, हुकमुक था जमीन के बारे में। अच्छा, पहले भी तो हत्या केस में जेल जा चुका था। के? वही जो मारा? हाँ। किसका मर्डर किया था? मुराहू बिंद का, गांव के ही। कौन रहेगा तुम्हारा गांव का? गोपालू का ना हो? 2 आदमी 3 आदमी का तो मारा था। तो 2 आदमी एगो चनोस का, चंदेश के गोपाल का मर्डर है ना, मुराहू के मर्डर इनकर एकर बपुआ के। हाँ, गोपाल के बाप के। हाँ। अच्छा तब ठीक है, तो तुमने मार दिए। किस चीज़ से मारे थे? खंती से। क्या नाम है तुम्हारा? भौरी। कितने लोग मिलकर मारे थे? 4 लोग। ठीक, भौरी, बंसी, पकिंदर, बबुल का नाम है। ठीक। छठ पर्व के दिन 21/11 को एक सूचना मिली थी कि एक टुन्नू बिंद है, उनके परिवार वालों द्वारा थाने को सूचना दी गई थी कि उनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस द्वारा रात पर खोजने के बाद सुबह में उसका डेड बॉडी मिला था। उनका कुछ विवाद चल रहा था पुराने लोगों से, कुछ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसी में मुख्य भौरिक बिंद की गिरफ्तारी हुई है, जिसके द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए पूर्व दुश्मनी के कारण और इस घटना को अंजाम देने की बात की गई है, और इनकी निशानदेही पर घटना में पड़ी खंती भी बरामद की गई है। वो जो मृतक थे उनका भी पूर्व से आपराधिक इतिहास था, उसमें एक अन्य व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है। 2 व्यक्तियों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और 2 को जेल भेजा गया। इस हत्या में कुल कितने लोग शामिल थे? 6 नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है, जिसमें 4 का नाम ये बता रहा है, अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कितनी गिरफ्तारी हो गई है? अभी 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है।